दोस्तों ऋषभ पंत जब भी मैदान में आते हैं कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे विवाद होता रहता है। ऐसे ही में दोस्तों एक विवाद हुआ जहाँ पर ऋषभ पंत ने सिग्नल लिया था कि डीएस के लिए, लेकिन ये सिग्नल तो दूसरे प्लेयर के लिए था। ऐसे में अंपायर ने क्या सुना यही ऋषभ पंत बता रहे थे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि गेंद लेग साइड की तरफ गई थी। ऐसे में ऋषभ पंत ने यहाँ पे अपने प्लेयर्स से पूछ रहे थे कि डीएस लेना है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे थर्ड अंपायर ने तो डीएस ले लिया, वो भी व्हाइट के लिए। यहाँ पर जो डीएस था वो कैच के लिए था, लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत ने बोले कि मैंने डीएस लिया ही नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर साफ साफ दिखा रहा है कि ऋषभ पंत ने डीएस ले लिए थे, लेकिन यहाँ पर वो सिग्नल दे रहे थे कि मैं लू कि नहीं लू। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों अंपायर ने सीधा डीएस दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लगता है कि ऋषभ पंत को जो है यहाँ पे दूसरा तरीका जो है अपनाना चाहिए, यहाँ पे डीएस लू या नहीं लू, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने इशारा कर दिया तो यहाँ पे दोस्तों अंपायर ने ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पर किसका गलत है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।